हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। दिस इज सुरेंद्र सिंह गौतम एंड आई एम योर केमिस्ट्री लेक्चरर। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था डाइंस को, डाइंस के टाइप्स को एंड उनके प्रिपरेशन को, तो आज हम कवर करने वाले हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाइंस। ब्यूटाडाइन इज अ कलरलेस गैस विद बॉइलिंग पॉइंट -1.4 डिग्री सेंटीग्रेड। द वेरियस रिएक्शन ऑफ डाइन आर। ठीक है, तो जो हमारा लास्ट टाइम में जो ब्यूटाडाइन बना था, तो उसके बारे में बताया गया है कि ये कलरलेस गैस होती है जिसका बॉइलिंग पॉइंट -1.4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और इसकी बहुत सारी रिएक्शंस हैं डाइन की। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की। तो एडिशन ऑफ ए इलेक्ट्रोफाइल में अकर एट वन और बोथ डबल बॉन्ड इफ़ टू मोलर इक्विवेलेंट ऑफ रिएजेंट्स आर यूज्ड। एडिशन अकर एट बोथ ऑफ डबल बॉन्ड हाउएवर विद वन मोलर इक्विवेलेंट रिएजेंट इट अकर्स एट वन डबल बॉन्ड एंड सो स्पेशल बिहेवियर विद अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट एज। ठीक है, तो कैसे होता है एडिशन रिएक्शन? जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो हमारा कॉन्जुगेटेड डाइन है। ठीक है, कॉन्जुगेटेड डाइन जिसमें एक सिंगल बॉन्ड छोड़ करके डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो ये कॉन्जुगेटेड डाइन है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर जब इस तरीके से जो है इलेक्ट्रोफाइल का जब यहाँ पर एडिशन होता है, हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, तो यहाँ पर किस तरीके से ये फॉर्म होता है हमारा, ये एक्स वाई है, हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। तो इसने क्या किया, हमारा वहाँ से जो है एक डबल बॉन्ड को, जो जब डबल बॉन्ड वहाँ से टूटा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो एक्स एंड वाई थे उन्होंने क्या किया, यहाँ पर बाइंड अप किया। ठीक है, फर्स्ट कार्बन एंड सेकंड कार्बन पे यहाँ पे इन्होंने एक्स एंड वाई ने यहाँ पे अपने आप को फॉर्म कर दिया। तो ये प्रोडक्ट हमारा बन गया 1.2 एडिशन प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे एडिशन हो गया। एडिशन मैंने आपको पहले भी बताया था, एडिशन एंड एलिमिनेशन दो रिएक्शन होती हैं। एडिशन में कोई भी चीज़ होती है जो ऐड होती है, एलिमिनेशन में कोई भी चीज़ होती है वो बाहर निकलती है। ठीक है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, यानी कि ऐड हो रहा है। ठीक है, तो ऐड हो रहा है कोई भी चीज़, ठीक है, तो इसको बोलते हैं एडिशन प्रोडक्ट। ठीक है, तो एडिशन प्रोडक्ट बन गया क्योंकि यहाँ पर एक्स एंड वाई क्या हो गया, ऐड हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगर हम यहाँ पर देखें दूसरा जो हमारा प्रोडक्ट बना है, वो भी हमारा बना है यहाँ पर, यहाँ पर फर्स्ट कार्बन पे वाई एंड फोर्थ कार्बन पे एक्स लगा हुआ है, तो 1.4 एडिशन प्रोडक्ट ये बन गया। ठीक है, तो ये होगी हमारी एडिशन रिएक्शन। ठीक है ना, अब बात करते हैं एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड लाइक HCl एंड HBr। ठीक है, तो व्हेन 1.3 ब्यूटाडाइन रिएक्ट विद 1 मोलर इक्विवेलेंट ऑफ HCl और HBr देन गिव्स टू प्रोडक्ट, नेमली 1.2 एडिशन प्रोडक्ट एंड 1.4 एडिशन प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कि जब 1.3 ब्यूटाडाइन जब रिएक्ट करता है किसी एक मोलर इक्विवेलेंट के साथ में, जैसे कि HCl या HBr, तो ये दो प्रोडक्ट देता है जो मैंने आपको बताया, 1.2 एडिशन प्रोडक्ट एंड 1.4 एडिशन प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप, ब्यूटा 1.3 डाइन है। ठीक है, तो जब इसमें जैसे कि यहाँ पर HBr से कराया गया रिएक्शन, तो जब HBr से जब इसने रिएक्ट किया तो उसने दो प्रोडक्ट दिए। ठीक है, एक हमारा यहाँ पर जो है फोर्थ कार्बन पे क्या हुआ, हमारा जो है H हाइड्रोजन वाइंड हो गया एंड थर्ड कार्बन पे हमारा, थर्ड पोजीशन पे हमारा ब्रोमीन जो है वो बाइंड हो गया। तो ये हमारा हो गया 1.2 एडिशन प्रोडक्ट। ठीक है ना, इधर से हम काउंट अगर करेंगे तो यहाँ पर 1 एंड 2 पे फर्स्ट कार्बन पे जो हमारा हाइड्रोजन लगा हुआ है एंड सेकेंड कार्बन पे हमारा ब्रोमीन लगा हुआ है। तो इस तरीके से ये हमारा बन गया 1.2 एडिशन प्रोडक्ट एंड 1.4 एडिशन प्रोडक्ट। यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें सेकेंड वाला जो हमारा प्रोडक्ट बना है, वहाँ पर हमारा 1 पे ब्रोमीन लगा हुआ है एंड फोर्थ पोजिशन पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो ये हमारा हो गया 1.4 एडिशन प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा अगर कोई भी हेलोजन एसिड जब उसमें रिएक्ट करता है डाइन के साथ में, तो दो प्रोडक्ट यहाँ पे बन के तैयार होते हैं। ठीक है,
एट लो टेम्परेचर द 1.2 एडिशन इज प्रेफर्ड, वेयर एज एट हाई टेम्परेचर 1.4 एडिशन इज प्रेफर्ड। यानी कि लो टेम्परेचर के लिए 1.2 एडिशन प्रेफर होता है हमारा प्रोडक्ट, एंड हाई टेम्परेचर के लिए 1.4 एडिशन प्रोडक्ट जो है वो हमारा प्रेफर्ड किया जाता है। द फॉर्मेशन ऑफ दीज टू प्रोडक्ट्स कैन बी एक्सप्लेन बाई फॉलोइंग मैकेनिज्म। अब इनका जो फॉर्मेशन हुआ है इन दोनों प्रोडक्ट्स का, इसको हम किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसके कुछ मैकेनिज्म है वो हम देख लेते हैं। जो हमारा फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप मैकेनिज्म है, जैसे कि हमारा HBr आयोनाइज टू गिव अ हाइड्रोजन आयन जिसको हम इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे, एंड अ ब्रोमाइड आयन न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, जब HBr का जब आयोनाइजेशन होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में आयोनाइजेशन पढ़ाया था कि क्या होता है। ठीक है, जब इनका आयोनाइजेशन किया जाएगा, HBr का जब आयोनाइजेशन किया जाएगा तो ये किस तरीके से टूट जाएगा, H प्लस एंड Br माइनस में ये टूट जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या होगा, जब हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल हमारा कौन सा है, हाइड्रोजन आयन है। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक अ डबल बॉन्ड अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिकोव रूल एंड फॉर्म अलाइली कार्बोकेशन, तो जब हमारा यहाँ पर डबल बॉन्ड पे जो है अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिकोव रूल जो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक है, तो क्या होगा, तो ये हमारा ब्यूटा 1.39 है। ठीक है, तो इस पे क्या किया, हाइड्रोजन के साथ में जो है रिएक्शन कराई। ठीक है, हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, तो जब ये इस पे रिएक्ट करेगा, अटैक करेगा, तो ये इस तरीके से एलाइली कार्बोकेशन में कन्वर्ट होगा, यानी कि जो हमारा CH2 है स्टार्टिंग में उसका, उस पे C पे आकर के ये बाइंड हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, और जो डबल बॉन्ड है वो हमारा ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो एक बॉन्ड इधर आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे लगेगा तो वहाँ से जो है डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, बाकी का हमारा सेम स्ट्रक्चर रहेगा, आप देख ही रहे हो। सी पे वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ बिकॉज उसने एक इलेक्ट्रॉन उसको हाइड्रोजन को दे दिया। ठीक है, अलाइलिक कार्बोकेशन में रीअरेंज फॉर स्टेबिलिटी, जो अलाइलिक कार्बोकेशन है उसमें रीअरेंजमेंट बहुत ज़रूरी है फॉर द स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी के लिए थ्रू रीजन्स फॉर स्टेबिलिटी। ठीक है, अलाइलिक कार्बोकेशन में रीअरेंज थ्रू रिजोनेंस फॉर स्टेबिलिटी, यानी कि अलाइलिक कार्बोकेशन है उसके अंदर रीअरेंजमेंट बहुत ज़रूरी है रिजोनेंस के थ्रू उसकी स्टेबिलिटी के लिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसका रीअरेंजमेंट हुआ CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो जब इसका इस तरीके से रीअरेंजमेंट हुआ, ठीक है, यानी कि इसको हम कैसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इधर से उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, उधर को इधर कन्वर्ट कर सकते हैं, बट हमें यहाँ पे क्या करना है, रीअरेंजमेंट करना है इसका। तो इसका देखो डबल एरो आपको देख रहा है, यानी कि वो उस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, एंड इस फॉर्म से इस फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले तो इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट किया, इसका रीअरेंजमेंट किया। तो जब रीअरेंजमेंट किया तो बी फॉर्म जो प्रेजेंट हुआ है वो CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 में ये कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसका रीअरेंजमेंट हो गया, अब ये स्टेबल हो गया, मोर स्टेबल हो गया। ठीक है, वो ज़्यादा स्टेबल नहीं था, अब ये मोर स्टेबल हो गया। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, जो हमारा न्यूक्लियोफाइल था, यानी कि जो Cl था, क्लोरीन था जिसके अंदर माइनस चार्ज था, कम्बाइंस विद A टू गिव 1.2 एडिशन प्रोडक्ट, एंड कम्बाइंस विद V टू गिव 1.4 एडिशन प्रोडक्ट, दस मिक्सचर ऑफ टू प्रोडक्ट्स इज ऑब्टेंड। यानी कि जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है क्लोरीन, ठीक है, वो जब हमारा जो है अटैक करेगा जो है हमारा A के साथ में, तो 1.2 एडिशन प्रोडक्ट देगा, और जब कंबाइन होगा जो हमारा बी के साथ में जब कंबाइन होगा तो वो 1.4 एडिशन प्रोडक्ट देगा। चलिए देखते हैं, अब ये हमारा जो हमारा ए वाला था CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, उसको आप सुधार लीजिएगा। यहाँ पे जो Cl दे रखा है क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन ना होकर के ब्रोमीन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे Br कर लेना, यहाँ पे गलती की है बच्चे ने,
तो यहाँ पे सी एल ना करके आप लोग बी आर कर लेना। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था जब एच बी आर को तोड़ा था तो हमने एच प्लस एंड बी आर माइनस में तोड़ा था, तो एच का तो हमने पढ़ ही लिया, तो अब बचा क्या बी आर। तो यहाँ पे बी आर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो है वो उसको बी आर कर लेना, ठीक है, सी एल की जगह। तो बी आर यानी कि ब्रोमीन ने जब अटैक किया हमारे ए वाले पे, तो ये इस तरीके से 1,2 एडिशन प्रोडक्ट बन गया, यानी कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2 हमारा था। तो BR जब अटैक किया तो जो CH था हमारा उस पे पॉजिटिव चार्ज था, C पे हमारा पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है। तो वहाँ पे आकर के BR ने अपना जो है पूरा किया इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज था ना उस पे, तो उसने क्या किया, जो C है उस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन BR को दिया, तो वहाँ पर आकर के वो बाइंड हो गया, ठीक है। तो ये हमारा 1,2 एडिशन प्रोडक्ट बन गया। सेकंड कंडीशन में क्या हुआ, जो हमारा बी वाला जो था उसमें क्या हुआ, उसमें क्या हुआ कि जो हमारा लास्ट में CH2 था उसमें प्लस चार्ज था, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज था, तो उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, उसने BR को दे दिया, ठीक है। जब उसने BR को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो यहाँ पर 1,4 एडिशन प्रोडक्ट यहाँ पे हमारा बन गया, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर और क्लियर कर दूँ, यहाँ पे जो आपको बी आर पे पॉजिटिव साइन दिख रहा है, यहाँ पे आप नेगेटिव साइन डाल दीजिएगा, ठीक है। गलती हुई है बच्चे से, कोई बात नहीं, बट मैं आपको बता रहा हूँ, इस पे आप करेक्शन कर लीजिएगा। सबसे पहले तो स्टेप 3 में जो सबसे स्टार्टिंग में लिखा है न्यूक्लियोफाइल ब्रैकेट में CL, वहाँ पे BR कर लेना, और जो रिएक्शन में जो प्लस BR जो दे रखा है पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर, तो वहाँ पे आप नेगेटिव चार्ज कर देना, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये एडिशन रिएक्शन समझ में आया होगा। एडिशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, देखो सारे रिएक्शन में कि हमारा हेलोजन एसिड जो है हमारे वो ऐड हो रहे हैं, एडिशन उनका हो रहा है, ठीक है, और प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा कि 1,2 एडिशन प्रोडक्ट एंड 1,4 एडिशन प्रोडक्ट के बनने का मैकेनिज्म क्या है। ये पूरा मैकेनिज्म था, स्टेप 3 में आकर के ये दोनों प्रोडक्ट हमारे बन गए जो हमने ऊपर पढ़े थे, ठीक है। यहाँ पर क्लियर है, ये दोनों हमारे प्रोडक्ट, ये जो दोनों प्रोडक्ट आपको दिख रहे हैं, ये दोनों प्रोडक्ट हमारे बन गए स्टेप 3 में जा करके। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। आगे जो हमारी फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है, उसको हम कल नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इसको आप नोट्स बनाइए, लिखिए, पढ़िए, ओके। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।